हेलो चिल्ड्रन, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट जेनेटिक कोड। एक्चुअली हमें पढ़ना है ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन का प्रोसेस समझने के लिए हमें जेनेटिक कोड्स के बारे में पता होना और इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तक हम कोड वर्ड यूज़ करते आए हैं, बट एक्चुअली ये क्या होते हैं ये हमें प्रॉपर अभी तक पता नहीं है। तो लेट अस डिस्कस व्हाट आर जेनेटिक कोड्स। सबसे पहली बार जेनेटिक कोड्स वेयर प्रपोज्ड बाय जॉर्ज गैमो। सो जेनेटिक कोड्स वर फर्स्ट प्रपोज्ड बाय जॉर्ज गैमो। एक्चुअली हमें पहले से मालूम है कि देर आर फोर टाइप्स ऑफ, चार तरह के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, चार तरह के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं हमें मालूम है। डीएनए में ATCG और आरएनए में AUCG, राइट। आरएनए में टी की जगह यू होता है, तो ये चार नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। और बेसिकली जिन कोड्स की हम बात कर रहे हैं ये जेनेटिक कोड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ 20 अमीनो एसिड्स। ये जेनेटिक कोड्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं 20 तरह के अमीनो एसिड्स बनाने के लिए, राइट। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये जो चार नाइट्रोजनस बेस हैं, मींस द कंक्लूजन इज दीज फोर नाइट्रोजनस बेसिस कोड्स फॉर हाउ मेनी अमीनो एसिड्स, 20 अमीनो एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस होना है और अमीनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन के मोनोमर यूनिट होती है, इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं, राइट। अब अगर आगे ध्यान दें तो यहाँ पर एक छोटा सा रीकैप मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तीन नाइट्रोजनस बेस, जैसे वो कोई से भी हो सकते हैं, मान लीजिए ACG है या AUG, कोई भी तीन ले लें। जो चार मैंने बताया आपको, इनमें से कोई भी तीन, किन्हीं भी तीन नाइट्रोजनस बेसिस का जो ट्रिपलेट होता है, ये जो एक ट्रिपलेट बना तीन नाइट्रोजनस बेसिस का, ये एक कोडॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक कोडॉन। और कोई भी एक कोडॉन, जैसे ACG है तो ये एक कोडॉन हुआ, और एक कोडॉन जो है वो एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। वन कोडॉन कोड्स फॉर वन स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ठीक है। और जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, सारे 20 तरह के अमीनो एसिड्स बनेंगे, चार नाइट्रोजनस बेसिस से 20 तरह के अमीनो एसिड्स बनेंगे, और ये सारे सारे के सारे ऑल अमीनो एसिड्स दे आर कॉल्ड, एक्चुअली हम ऐसा कह सकते हैं ये सारे अमीनो एसिड्स ऐड होकर प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो सब जुड़कर क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करते हैं। अब जो हमने पढ़ा कि चार तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं 20 तरह के अलग अलग अमीनो एसिड्स बनने के लिए, तो ये जो बात थी इसको सपोर्ट किया गया था, इसको सपोर्ट मिला कई सारे एक्सपेरिमेंट्स से, जैसे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मार्शल निरनबर्ड एंड सेवेरो ओकोआ, ये तीन साइंटिस्ट ऐसे थे जिनके एक्सपेरिमेंटल वर्क ने इस जेनेटिक कोड के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया। और इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जहाँ पे इन्होंने देखा कि मैसेंजर आरएनए और डीएनए का जो फॉर्मेशन है वो जेनेटिक कोड से सपोर्टेड है, या ये कह सकते हैं कि जेनेटिक कोड के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। तो एक्चुअली यहाँ पर टोटल जो कोड्स होंगे वो 64 होंगे, और ये टोटल 64 कोड्स कैसे आते हैं इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। बट बिफोर आई ड्रॉ द टेबल मैं आपको कंक्लूजन बता देती हूँ कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हमें पता चलेगा कि टोटल जो कोड्स हमें मिलेंगे, अभी हम जब टेबल बनाएंगे तो हमें टोटल कोड्स कितने मिलेंगे, 64 टोटल कोड्स मिलेंगे 64।
इन 64 कोड्स में से 61 कोड्स को हम अलग रखते हैं और 3 कोड्स को हम अलग रखते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपन पढ़ने जा रहे हैं, विच इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 61 कोड्स हैं, 64 में से 61 कोड्स, दे कोड फॉर अमीनो एसिड, दे कोड फॉर अमीनो एसिड। और जो ये 3 कोड्स बच गए, दे डोंट कोड फॉर एनीथिंग, दे डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग, ये किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करते, एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज नॉनसेंस कोडॉन्स। ये जो आपके 3 कोड्स हैं जो कुछ भी कोड नहीं करते, ये नॉनसेंस कोडॉन कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज नॉनसेंस कोडॉन्स। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन से 3 कोड्स हैं जो कुछ भी कोड नहीं करते, कोई अमीनो एसिड नहीं बनाते या किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते और नॉनसेंस कोडॉन या नॉनसेंस कोड्स कहलाते हैं। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था, जॉर्ज गेमो ने, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। नाउ वी विल सी द टेबल, सो वील हैव टू सी कि ये 64 कोड्स कैसे बने या कैसे मिले। ये 64 कोड्स की टेबल सारी बुक्स में दी हुई है, बट लेट अस डिस्कस कि कैसे एक्चुअली आए होंगे। तो हम मान लेते हैं कि एक फर्स्ट पेयर ऑफ कोड्स जो है हमने इधर लिखा हुआ है, ये फर्स्ट साइड है हमारा, यू दैट इज यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन और गुआनिन। एक साइड मान लें कि ये बेसिस हैं, सेकेंड साइड हम इस तरफ मान लेते हैं और सेम सीक्वेंस इधर भी लिख लेते हैं, यू ए सी जी। और हमारा थर्ड साइड हम इधर ले लेते हैं और इधर भी वही कोड्स आएंगे जो हमने इधर लिखे हैं, यू ए सी जी। अब इनकी मदद से हम ये पूरी टेबल बनाएंगे या कॉम्बिनेशंस देखेंगे। अब आप देखें, यू यू एंड यू, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, ठीक है। उसके बाद दिस यू एंड दिस ए एंड फ्रॉम दिस साइड, और वी कैन डू लाइक दिस कि पहले हमने एक ये और ये कॉम्बिनेशन किया। अब हम क्या करते हैं, दिस कॉम्बिनेशन एंड दिस कॉम्बिनेशन अगेन, बट फ्रॉम दिस साइड वी विल टेक ए, ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटी है यू यू ए, थर्ड पॉसिबिलिटी है यू U and from this side, what is there? G. हमने सीक्वेंस में पहले C लिखा हुआ था, so it should be U A C G. This is C, right? So this will be U U C. Now fourth one will be U U and G. इस तरह से हमने first box में 4 combinations बना लिए। ये 3 का एक triplet जो है, ये 3 नाइट्रोजनस बेस का एक ट्रिपलेट जो है वो एक कोडॉन है, ठीक है। तो इस तरह से हमें 4 कोडॉन या 4 कोड्स मिल चुके हैं। ऐसे ही यहां देखें, दिस यू दिस ए एंड फ्रॉम हियर आल्सो यू, तो यू ए यू, सेकंड अगेन यू ए एंड फ्रॉम हियर आल्सो द सेकंड वन ए, देन यू ए फ्रॉम हियर सी दैट इज थर्ड वन, यू ए फोर्थ वाला यू ए एंड फ्रॉम हियर जी। ऐसे ही आप सारे बॉक्सेस भर लें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू दिस सी एंड फ्रॉम दिस साइड ए, देन अगेन यू सी फ्रॉम दिस साइड ए। फर्स्ट वन हैज टू बी यू, सो लेट इट बी, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, यू यू, यहाँ मैंने सेकेंड वाला पहले लिख दिया है, देन यू C and first one मैंने बाद में लिखा है, then U this C and from here again C, then U C G, so U from here, C from here and G from here। ऐसे ही अगर आप बनाएंगे तो आपको हर बॉक्स में ऐसे ही चार चार कोडॉन या चार चार कोड्स मिलते चले जाएंगे और इस तरह से ये टेबल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो दिस टेबल गिव्स यू टोटल 64 कोड्स।
कितने कोर्स देती है, टोटल 64 कोर्स। इन 64 कोर्स के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इन 64 कोर्स में से 61 जो हैं दे कोड फॉर अमीनो एसिड्स एंड द 3 दे डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग एंड हेंस आर कॉल्ड एज नॉनसेंस कोडॉन्स। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कोड्स और जेनेटिक कोड्स वॉज गिवन बाय जॉर्ज गेमो। नाउ लेट अस सी द सेलियंट फीचर्स। We will now talk about salient features of these genetic codes. तो कुछ बातें हम already discuss कर चुके हैं, but उनको फिर से pen down कर लेते हैं। There are total 64 codes. In 64 codes में से 61 जो है, they code for amino acid. 61 codes for amino acid और बचे हुए जो 3 codes हैं, they don't code for anything. They do not code for anything, मतलब कोई भी अमीनो एसिड के लिए ये कोड नहीं करते। और hence these three codes are called as nonsense codons. Nonsense codes और nonsense codons आप बोल सकते हैं। Now एक चीज और बहुत important, each code, हर एक कोड is non-ambiguous. ये बहुत important point है। Each code is non-ambiguous. Non-ambiguous मतलब है wherever it is, it will code for a particular thing. जैसे कि example ले लें, for an example, अगर कहीं AUG code आया है, तो AUG code कहीं भी हो, ये triplet of code जहां भी आएगा, ये एक code है, ठीक है, 3 बेस पेयर से बना एक कोड, या आप इसे एक कोडॉन बोल सकते हो, ये एक कोड या एक कोडॉन जहां भी आता है, ये कहीं भी हो, whenever and wherever it is present, wherever हमारे अंदर या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जहां भी हो, wherever it is present, कहीं भी हो, it will code for methionine. मिथियोनिन के लिए ही कोड करेगा और किसी चीज के लिए कोड नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि नॉन एम्बिगस हैं, ये पर्टिकुलर होते हैं, ये जो चीज जिस भी अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, ये जहां भी प्रेजेंट हो उसी अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे, इनकी जगह बदलने से इनकी कोडिंग का नेचर बदलता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट सेलियंट फीचर है, दीज कोड्स आर यूनिवर्सल। इसका क्या मतलब हुआ? यहां पर इसका मतलब यह है कि अगेन जैसे मान लें UUU 3 है, 3 का पेयर या 3 का ट्रिपलेट है और ये एक कोडॉन है, तो ये कोडॉन जहां भी है, ये जो कोडॉन है ये कोड करता है फॉर फिनाइल एलेनिन। सो इट कोड्स फॉर फिनाइल एलेनिन एंड व्हेनेवर इट इज प्रेजेंट, whether इट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया और इन ह्यूमन, ये ट्रिपल यू हमेशा फिनाइल एनिलिन के लिए ही कोड करेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी यूनिवर्सल, कि कहीं भी हो यूनिवर्स में ये एक ही चीज के लिए कोड करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेलियंट फीचर है, कोड्स आर रेड विदाउट कॉमास। कोड्स को जब आप पढ़ें, दे आर रेड विदाउट कॉमास, मतलब कॉमा नहीं लगता इनके बीच में, सो यू कैन कॉल देम, दे आर कॉमालेस, ये बिना कॉमा के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोड्स लिखने हैं, ए यू जी लिखा मैंने, फिर यू 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 लिखा, देन इफ आई हैव टू राइट अगेन ए यू जी, कुछ भी ऐसा लिखना है, तो देखिए इनके बीच में कोई कॉमा नहीं आया है, और 3-3 के पेयर्स में होते हैं, ये आपका पहला है, पेयर नहीं बोलेंगे, ट्रिपलेट है, ये 3-3 है ये एक साथ, तो इनके बीच में कोई कॉमा नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 3-1 यूनिट है, सो यू विल हैव टू सी दैट नो कॉमा और स्पेस इज यूज्ड, कंटिन्यूएशन में लिखते चले जाएं। देन नेक्स्ट एंड सिक्स्थ property or the salient feature of codes is that these codes are non-overlapping. Iska kya matlab hua?
ये जो है हमेशा ट्रिपलेट्स के फॉर्म में रीड करे जाते हैं, दे आर रेड एज ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स का मतलब है आप जब भी इन्हें पढ़ें, जैसे ये लिखे हुए हैं कोड्स, तो आप इन्हें हमेशा ए यू जी यू 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 यानी तीन को एक साथ पढ़ेंगे। कभी आप ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि ए यू को एक साथ पढ़ लिया फिर जी यू यू पढ़ रहे हैं, या इनकी जो है सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होती। कभी आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि आपने एक बार इनको ए यू जी पढ़ लिया, फिर एक बार इनको यू जी यू पढ़ लिया, फिर अगली बार मन किया तो जी यू यू पढ़ लिया, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। जब भी पढ़ेंगे ए यू जी पढ़ें और इसे यू 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 पढ़ें, और कोई तरीका नहीं है इनको पढ़ने का, यानी इनकी ओवरलैपिंग आप नहीं कर सकते। तो इस तरह की ओवरलैपिंग संभव नहीं है। जब भी पढ़ेंगे तीन के ट्रिपलेट को एक साथ पढ़ेंगे। अब ये ए यू जी की बात बार बार कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका ड्यूअल फंक्शन होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोडॉन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। ए यू जी जो है इसका ड्यूअल फंक्शन होता है, इट हैज टू फंक्शंस, इट हैज ड्यूअल फंक्शन। पहला कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इट कोड्स फॉर, ए यू जी कोड्स फॉर मिथियोनिन, एक काम तो इसका ये हो गया। दूसरा काम क्या है कि इट्स अ स्टार्ट कोडॉन, इट्स अ स्टार्ट कोडॉन। अभी थोड़ी समय बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के बारे में, है ना, और इससे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ के आए हैं। तो अगर आपको याद हो तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए स्टार्ट कोडॉन जो है यही था ए यू जी। सो यू विल हैव टू नोट डाउन कि इट इज गोइंग टू मींस इट इज गोइंग टू स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन, और आई कैन राइट मींस इट विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज, इसीलिए इसको स्टार्ट कोडॉन भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द स्टार्ट कोडॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज द स्टार्ट कोडॉन। सो आंसर इज ए यू जी। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थोड़ी देर पहले मैंने छोड़ दिया था ये बोलकर कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, 64 कोड्स में से 61 तो जो है सेंस कोडॉन्स थे, वो कुछ ना कुछ अमीनो एसिड कोड करते थे, मगर जो तीन कोड्स या तीन कोडॉन्स जो कुछ भी कोड नहीं कर रहे थे, जिन्हें हमने नॉनसेंस कोडॉन कहा था, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टॉप कोडॉन्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टॉप कोडॉन्स, और इन्हें हम नॉनसेंस कोडॉन भी बोलते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सो बेसिकली अब ये नॉनसेंस क्यों है या इन्हें स्टॉप कोडॉन क्यों बोलते हैं, तो पहले तो आप ये देखें कि कौन से तीन कोड्स या कौन से तीन कोडॉन्स हैं जो नॉनसेंस कोडॉन्स हैं। तो यू जी ए ये पहला नॉनसेंस कोडॉन है, दूसरा यू ए ए और तीसरा यू ए जी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला यू जी ए, दूसरा यू ए ए और तीसरा यू ए जी। अब इन तीनों का काम एक्चुअली क्या है, ये जहां भी आ जाते हैं काम खत्म हो जाता है वहीं पर, ठीक है, क्योंकि ये कुछ भी कोड नहीं करते। टेक्निकली यू जी ए को जो है ओपल कहा जाता है, ओ पी ए एल, ठीक है। सिमिलरली टेक्निकली ओ यू ए ए को इसे ओपल, इसे ओकर कहा जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज एम्बर, ए एम बी आर ई। सो ओ पी ए एल, ओ सी एच आर ई एंड ए एम बी आर ई। सो वेन एवर दे आर फाउंड दे डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग, याद रखें ये जब भी आएंगे किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करते। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू बी रिमेम्बर्ड ऑलवेज। नाउ वन मोर एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कोडॉन्स इज द कोड इज डी जनरेट, नोट डाउन द कोड इज डी जनरेट। इसका क्या मतलब हुआ, मीन्स वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोड। क्या बोला मैंने, वन अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोड। ये कैसे पता चला, इसीलिए हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि हमने कहा कि 64 कोड्स हैं जिसमें से 61 अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, और अमीनो एसिड तो 20 ही बनते हैं। कोड्स कितने हैं टोटल जो अमीनो एसिड कोड करते हैं, ऐसे तो 64 कोड्स हैं, टोटल 64 कोड्स हैं, पर तीन तो हो गए स्टॉप कोडॉन, तो इस
तीन को हमने छोड़ दिया है, यहाँ पढ़ लिया, और बचे हुए 61 कोडॉन्स जो है वो है तो टोटल 61 ट्रिपलेट्स, पर बना क्या रहा है, सिर्फ 20 अमीनो एसिड। इसका मतलब है कि एक कोड जो है या एक अमीनो एसिड कई कोड से बन रहा होगा, ठीक है, इसीलिए कोडॉन्स ज्यादा है और अमीनो एसिड्स कम है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जेनेटिक कोड्स, आई होप इट वॉज क्लियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।